हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे कि स्कल्प्टेड नेल कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप इंडेक्स फिंगर में देख सकते हैं, डिफरेंट है वो नेल, वो है स्कल्प्टेड नेल। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टिप के साथ अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं सेम एक ही डिज़ाइनिंग, और अगर हम स्कल्प्टेड नेल बनाते हैं नेल फॉर्म के साथ तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले फ्रीज एरिया जो है थोड़ा सा हमें छोड़ना है, ग्रोथ वाला एरिया। उसके बाद ये नेल फॉर्म होती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, इनमें से हम किसी भी एक नेल फॉर्म को चूज़ करके और उसके साथ जो है वर्क करेंगे। और देखिए साइड में ना ये कटिंग के निशान बने हुए हैं, तो सीजर से इस तरीके से इसको कट कर लेंगे साइड से पहले ही, क्योंकि बाद में कट नहीं हो पाता है, हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है इसलिए। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे कट करने के बाद इसे रिमूव करके हम फिंगर के ऊपर नेल के साथ बहुत अच्छे से अटैच करके इसे हम चिपका देंगे। हमने देख लिया कि कितना ब्रॉड चाहिए, तो हम इसको जो है एक साइड से हम मैंने लॉक कर दिया है उसको, चिपका दिया है। अब मैं इसको नेल में अटकाऊंगी तरीके से ताकि मेरा जो वर्क है बिल्कुल स्ट्रेट आए और प्रॉपर आए। सो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि एकदम स्ट्रेट एक तो नेल लगे आपका, और दूसरा आपके जो नेचुरल नेल है वो उसके नीचे ही रहे। और जितना भी आपको ऊपर से राउंडेड लुक, लॉन्ग लुक जैसे भी देना है तो आप उसे उस हिसाब से ही उसे शेपिंग देंगे अभी से ही। लेकिन जैसे कि मुझे जो है सॉफ्ट स्क्वायर शेप देनी है बट द राउंडेड शेप, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूँगी। और सबसे पहले नेचुरल नेल को मैंने लाइट लाइट ब्लॉब ऑफ पहले भी किया था, अभी भी एक बार और ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ। और ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है देख लेंगे कि हमारी टेप निकल तो नहीं रही है। अगर इस तरीके से निकलती है तो हम जो है दोबारा से टेप लगा के और इस तरीके से हम डिहाइड्रेटर लगा देंगे। और डिहाइड्रेटर लगाने के बाद जो है हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट मोनोमर और साथ में जो है एक्रेलिक पाउडर, जो कि क्लियर पाउडर होगा, बिकॉज मुझे इसमें जो डिज़ाइनिंग करनी है माइलर डालने हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूँगी। और जो मेरा ब्रश है, देखिए अब देखिए, सबसे पहले जो है मैंने फ्री एज एरिया और नेल फॉर्म का जो जॉइंट है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया, एक्रेलिक प्रोडक्ट। और उसके बाद जो है मैं फ्री एज एरिया पे ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा नेल नहीं चाहिए, तो मेरे को जो डिज़ाइनिंग अंदर डिपॉजिट करनी है वो मैं पहले ही कर लूँगी। और इस तरीके से मैं माइलर जहाँ जहाँ पे जो जो कलर के लगाने हैं और जितनी लेंथ तक लगाने हैं वो मैं साथ साथ अप्लाई कर लूँगी एक्रेलिक प्रोडक्ट के साथ ही। माइलर लगाते हुए ना आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका टारगेट एरिया है उससे बाहर आपके माइलर्स ना जाएं। और जैसे कि मुझे नेचुरल नेल पर नहीं दिखाने हैं, ओनली फ्री एज एरिया पे ही दिखाने हैं, तो मैं ओनली फ्री एज एरिया पे ही वर्क करूँगी। और साइड्स में बहुत ध्यान रखूँगी कि मेरे माइलर साइड्स में ना जाएं, अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब बाद में इसमें बफिंग करते हैं तो वो या तो सारा निकल जाता है या उसमें बबल बन जाता है। सो मेक श्योर कि वो चीज़ ना हो। और अब जो है हम पूरे नेल को कवर अप करेंगे एक प्रॉपर बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप देते हुए। सेम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, एक्रेलिक का क्लियर प्रोडक्ट साथ में सॉफ्ट मोनोमर। और धीरे धीरे करके प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार लगाना है, धीरे धीरे वर्क करिए बट ब्यूटीफुल वर्क करिए, क्योंकि इसके लिए थोड़े से पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं इसलिए। और ऊपर का वाला एरिया आपने देखा, मैंने वापस को ब्रश घुमाया तो वो हम उसे लॉक कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉपरली वर्क रहे, स्टे करे, जिसकी वजह से। और ये साइड्स ज़रूर कवर करनी है इस तरीके से हमेशा। मेक श्योर कि आपके जो माइलर्स हैं वो कहीं ना रह ना जाए, अगर कहीं रह भी गए तो हम जब बफिंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इतना होना चाहिए कि वो निकले ना ही या फिर उसमें बबल ना बने, तो प्रॉपरली इसको जो है एप्लीकेशन कर देंगे उसमें। और इसके बाद जो है ना हम साइड से लुक देख लेंगे कि प्रॉपरली एक स्मूथ लुक आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब कि डंड या बम कुछ बना तो नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है तो उसको प्लीज़ उसी टाइम ही कवर अप कर लेना, बिकॉज़ बाद में जब बफिंग करते हैं तो आपको बहुत देर लगती है उसको घिसने में। और आज हम बफिंग भी ना डिफरेंट तरीके से करेंगे, आज हम बफिंग करेंगे ड्रिल के साथ, हम एमरी बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे आज उसमें, हमेशा नहीं तो हम एमरी बोर्ड यूज़ करते हैं। उसको कम से कम 10 मिनट ड्राई होने के बाद जो है इस तरीके से हम नेल फॉर्म धीरे धीरे करके निकाल देंगे। सो आप देख सकते हैं ना ड्राई हो गया है, और ये काफ़ी हीट देता है, जो एक्रेलिक पाउडर होता है काफ़ी हीट छोड़ता है। तो इसको उतारने के बाद जो है हम उसे, और ध्यान रखेंगे कि ये पूरा डीपली जो है ड्राई हो गया हो। और एक बार अभी आपको मैं इसमें दिखाती हूँ उल्टा करके भी कि ये कैसे लगता है। और जब हम इसे उल्टा करके भी देखें तो हमारे माइलर में नीचे डस्ट ना बचे, कुछ भी प्रोडक्ट ना रहे, उसमें नीचे भी मैंने प्रोडक्ट लगाया इसीलिए।
और उसके ऊपर भी प्रोडक्ट लगाया। सो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसके बाद जो है हम ड्रिल की हेल्प से जो है बफिंग करेंगे। सो सबसे पहले क्यूटिकल एरिया से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके फ्री एज एरिया की तरफ को आएंगे ड्रिल के साथ बफिंग करते हुए, जिससे कि हमारा जो जितना भी डंट और बम्प हो, हमारा जो सरफेस होगा नेल का, वो बिल्कुल पूरा के पूरा स्मूथ हो जाए। गाइस, हमारी जो क्लासेस हैं अगस्त में स्टार्ट होने जा रही हैं, बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स अगर आपको नेल्स का करना है विद प्रैक्टिकल क्लासेस, सो हमारी एकेडमी जो है दिल्ली में है और आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि आज हम जो है दो तरीके के नेल करेंगे, लेकिन डिज़ाइन हमारा सेम होगा। एक तो होगा हमारा स्कल्प्टेड नेल और दूसरी होगा ट्रांसपेरेंट टिप के साथ वर्क। प्रॉपरली ड्रिल के साथ बफिंग करने के बाद और फ्री एज एरिया नीड करने के बाद जो है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ड्रिल बहुत शार्प होती है तो हम साइड्स में ज़्यादा जाने से डरते हैं, तो इसलिए इस तरीके से हम एमरी बोर्ड से भी अपने नेल को, साइड्स को और क्यूटिकल एरिया को हम नीड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ शेप में चेंजेस करने हैं तो भी आप एमरी बोर्ड से कर सकते हैं, बिकॉज शेप में चेंजेस जो हैं हमारी ड्रिल से करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो बहुत फास्ट चलती है, बहुत फास्ट बफिंग करती है, तो उसकी वजह से हमारा पूरा के पूरा काम ख़राब हो सकता है। तो इतना भी जल्दी में काम नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरीके से एमरी बोर्ड से साइड्स नीट करने के बाद आप नीचे पीछे भी देख सकते हैं इसकी लुक कितनी नीट आ रही है। एक एक मेरा माइलर जो है बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। और अब इसको जो है हम ब्लॉब ऑफ करेंगे, और ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है पूरे नेल की शाइनिंग को रिमूव करने के बाद जो है बारी है वापस शाइनिंग लेकर आने की। तो उसके लिए हम इसके ऊपर जो है यूवी टॉप कोट लगा देंगे। यूवी टॉप कोट जो है, अगर आपके पास एलईडी है तो आपको क्योर कराना है 90 सेकेंड, और अगर आपके पास यूवी लैम्प है तो उसमें आपको क्योर कराना है 120 सेकेंड। सो ये जो हमारा नेल है रेडी हो गया, बारी है दूसरे तरीके के से हमारा सेम डिज़ाइन बनाने की। तो ये मैंने जो है टिप्स लगा के रख दी हैं हमने ट्रांसपेरेंट टिप, जैसे कि आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं डीपली कि जो इसके बाद ब्लेंडिंग लाइन करना है, शेप करनी है, और उसके बाद जो है हमें सारे के सारे नेल्स को एक साथ ब्लॉब ऑफ करना है। सो जैसे कि आपने देखा मैंने लास्ट नेल जो है एक्रेलिक का बनाया है, तो हम बाकी नेल्स पे भी हमने जैसे ट्रांसपेरेंट टिप लगा दी है, हमारी नेल रेडी है। लेकिन अब इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट, हम जेल अगर यूज़ करना चाहें तो जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी एक्रेलिक ही कर रही हूँ, क्योंकि एक्रेलिक अगर आप कर रहे हैं वन फिंगर पे तो सारी सिमिलैरिटी प्रोडक्ट की सेम आएगी, बिकॉज जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमारे माइलर की, ठीक है, तो उसके लिए जो है माइलर एप्लीकेशन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो वे है उसकी एप्लीकेशन का वो सेम आए, सेम लुक आए उसकी। सो इसलिए जो है हम एक्रेलिक प्रोडक्ट से ही हम इन्हें जो है कवर करेंगे। तो सारे नेल को जो है बहुत अच्छे से ब्लॉब अप करना है, दैट मीन्स पूरी की पूरी शाइनिंग रिमूव कर देनी है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं करना है नेचुरल नेल से कि आपका, हमारे क्लाइंट का नेचुरल नेल ख़राब हो जाए और जो है वो बाद में हमारे पास रीफिल के लिए ना आए। तो इतना लेवल ही करना, मैक्सिमम 20-25%, कि जिससे कि हमारा नेचुरल नेल डैमेज ना हो और साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी स्टे बहुत अच्छा करे। तो इसके बाद जो है इसके ऊपर भी हम जो है डिहाइड्रेटर लगा देंगे, और डिहाइड्रेटर लगाने के बाद जो है बारी आती है हमारे एक्रेलिक के प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। सो जिस तरीके से हमने जो है स्कल्प्टेड नेल बनाया था, एक्रेलिक प्रोडक्ट फर्स्टली एप्लीकेशन करते हुए ही हमने साथ साथ ही माइलर्स लगा दिए थे, तो बाकी नेल्स में भी हम इसी तरीके से ही माइलर्स लगा देंगे। इसमें जो है कुछ कलर्स के साथ भी प्ले करने वाले हूँ, लाइक हम एक फिंगर पे जो है ओम्ब्रे एप्लीकेशन करेंगे। सो वो भी कैसे करनी है इसको माइलर एप्लीकेशन करने के बाद, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और साथ साथ जो है हम इसमें जो चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि मैंने दो कलर्स ऐड ऑन करने हैं, लाइक मेरी इंडेक्स फिंगर और मेरी रिंग फिंगर जो है उसमें हम सेम कलर के माइलर्स प्लेसमेंट करेंगे, और बाकी हम पिंगी फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब पे हम एक जैसे माइलर्स, मतलब डिफरेंट, बाकी दो फिंगर से डिफरेंट
माइलर्स कलर्स के यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये मिडिल फिंगर है, तो इसमें मैंने कुछ ब्लैक का टिंच भी दिया है। सो इसी तरीके से मैं पिंकी फिंगर और थंब पे भी ब्लैक का टिंच दूंगी। एप्लीकेशन का तरीका आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज हम सब क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट तो होते हैं लेकिन हमारी एप्लीकेशन करने का तरीका अगर सही नहीं होता है तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है। 2 से 4 दिन के अंदर क्लाइंट के नेल्स निकल जाते हैं, तो हमें अपने क्लाइंट को इस शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देना है कि 2-4 दिन के अंदर उनके नेल्स निकल जाएँ। और इस तरीके से जो है प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते करते साथ साथ ही हम डिज़ाइनिंग पर भी वर्क करेंगे। तो गाइज़, अगर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट भी बाय करना चाहते हैं ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे आप नेल आर्ट के प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे मोनोमर अगर आपको बाय करना है, या नेल आर्ट के ब्रशेस बाय करने हैं, या ये माइलर्स यूज़ करने हैं बाय, तो उन या फिर एक्रेलिक पाउडर, तो उन सब का लिंक जो है मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज जो हम एवरी प्रोडक्ट के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं लेकिन हमें उसकी एप्लीकेशन करनी नहीं आती है, तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट ही बेकार है। बट ऐसे नहीं होता है, समटाइम्स जो है ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब निकल भी जाता है, बट अगर आप यूज़ उसका तरीके से कर रहे हैं और आपके पास नॉलेज अच्छी है कि प्रोडक्ट आप अच्छा ही बाय करें, तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती कि आपको बेकार प्रोडक्ट मिले। सो गाइज, मेक श्योर कि आप जब भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसके रिव्यूज़ अच्छे से चेक करें, कैसा प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ें, और उस प्रोडक्ट को बिना समझे कभी भी बाय ना करें। जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है नेल आर्टिस्टिक लाइन में ही, सो आई नो दैट मैं अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड के सभी प्रोडक्ट ट्राई कर चुकी हूँ, और जब तक मैं किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड खुद नहीं होती हूँ मैं आगे किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ। सो दैट्स वाई अगर मैं रिकमेंड कर रही हूँ, सो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को पहले ट्राई कर चुकी हूँ और उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। सो इसलिए आप बिना सोचे समझे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ लेस की लिंक्स, और वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो आपको कोई ज़्यादा घूमने की या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम प्रॉपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद जो है हम इसे ड्राई होने का टाइम दे देंगे ताकि ड्राई हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि जो सबसे पहले हमने फिंगर करी होती है वो हमारी इंस्टेंट ड्राई हो जाती है, बिकॉज जब तक हम बाकी फिंगर पे काम करके वहाँ तक पहुँचते हैं वो ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद हम कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। तो एक्रेलिक में ना कभी भी हमारा हाथ रुकता नहीं है काम करते हुए। तो सभी नेल पर जो है माइलर्स की प्लेसमेंट हो गई है, हमारा एक्रेलिक प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो गई है, बिल्डर बन चुका है, हमारा नेल रेडी है। अब बारी है हमारी बफिंग करने की। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको नए तरीके से सिखाऊंगी, सो जो बफिंग है इसीलिए हम इन नेल्स में भी ड्रिल से ही करेंगे, स्कल्प्टेड नेल में भी ड्रिल से करेंगे और टिप वाले नेल्स में भी ड्रिल से ही करेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट वर्क करते हैं। जो काम आपका आधे घंटे में होना है वो 10 मिनट में हो जाएगा, इसलिए। सो जैसे कि मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस पहले एक वीडियो डाली थी ड्रिल के बारे में,
तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी उसमें ड्रिल के बारे में कि ड्रिल क्या होती है, कैसे होती है और कैसे यूज़ होती है। सो अभी भी जैसे ड्रिल हम कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ इन शॉर्ट, कि ड्रिल को जो है हमेशा यूज़ करते हुए हमें ध्यान रखना है कि वो एक जगह पे बार बार ना चले, ताकि हमारा डंट ना बन जाए उसमें बहुत बड़ा सा, क्योंकि बिकॉज ये बहुत फास्ट वर्क करती है। और दूसरा, हमारे पास जो है ड्रिल की निप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो कभी भी जो है क्यूटिकल एरिया के ज़्यादा पास में जाकर ड्रिल को ट्राई ना करें अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपको ड्रिल चलाने का तो, बिकॉज़ क्योंकि वो ब्लीड कर सकता है हमारा क्यूटिकल एरिया और साथ में साइड वॉल भी डैमेज हो सकती है। सो इसीलिए ड्रिल की स्पीड भी जो है आपको उतनी ही कंट्रोल करके रखनी है जितने कि आप इजीली चला पाएँ और जितने कि आप उसे कंट्रोल कर सकें इजीली, बिकॉज़ अगर आप फुल स्पीड पे चलाते हैं तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है समटाइम्स और एकदम से आपके भी लग सकती है। सो आपको अपने आप का भी ध्यान रखना है और अपने क्लाइंट का भी। और हाँ, साथ साथ जो है जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो अब इसके बाद जो है बारी होगी हमारी शेप करने की। शेप कैसे करनी है, एक बार कॉफिन शेप मैंने सेलेक्ट करी है अपने क्लाइंट के लिए। सो कॉफिन शेप हम अप्लाई करेंगे, कैसे बनानी है वो भी आज आपको पता लगेगा। और साथ साथ जो है फिर इसके बाद हम ओम्ब्रे का भी लुक देंगे। ओम्ब्रे के लिए मैंने बेज कलर फैमिली पीच फैमिली यूज़ करी है, तो उसके साथ हम ओम्ब्रे लुक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रिल से भी वर्क किया और मैंने एमरी बोर्ड से भी वर्क किया, तो कहीं भी मेरे क्लाइंट का जो है नेल या स्किन कहीं भी डैमेज नहीं हुई है, उनको ज़्यादा डर नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम भी नेल्स कराते हुए। सो इसके बाद जो है बफिंग करने के बाद हमारी बारी है ब्लॉ बफिंग करने की। तो ये ब्लॉ बफ करते हैं ताकि जितने भी ड्रिल के या एमरी बोर्ड के स्क्रैचेज़ हैं वो सब स्मूथ हो जाएँ और उसके ऊपर जब हम कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन करें उसकी और ज़्यादा स्मूथ फिनिश लुक आए और भी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आए। सभी नेल्स को अच्छे से ब्लॉब ऑफ करने के बाद डस्ट क्लीन कर लेंगे और डस्ट क्लीन करने के बाद बारी है ओम्ब्रे करने की। सो इस तरीके से मैं ओम्ब्रे करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज, जो ये स्पॉन्ज है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज है और इसमें हमेशा सॉफ्ट स्पॉन्ज ही यूज़ करना है, हार्ड स्पॉन्ज यूज़ नहीं करना है, बिकॉज वो आपके पैचेस बना देगा, ओम्ब्रे इफेक्ट ख़त्म कर देगा। सो इसलिए सो दीज आर द नेल्स और लास्ट में हमने उसके ऊपर यूवी टोप को लगा दी। सो आई होप गाइज आपको मेरी जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन इसलिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।